यस पेरेंट्स, आपने सही सुना। आप अपने बच्चे को बाजीगर बना सकते हैं। बाजीगर वो होता है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है, हर प्रॉब्लम को, हर मुसीबत को चैलेंज में, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और फिर उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में तब्दील कर देता है। इस बाजीगर को साइकोलॉजी के टर्म में हम एडवर्सिटी इंटेलिजेंट कहते हैं, एडवर्सिटी क्यूसेंट कहते हैं। एडवर्सिटी इंटेलिजेंट वो गुण है वो बच्चों के अंदर में जो कि एडवर्स सिचुएशन में फौलाद की तरह डटे रहते हैं, फौलाद की तरह तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि उसे जीत में तब्दील ना कर दें। अगर आपको अपने बच्चे को बाजीगर बनाना है तो आपको एक अच्छा परवरिश अपने बच्चे को करना पड़ेगा, एक बेहतरीन पेरेंट्स का एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा। एक बेहतरीन पेरेंट्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हम दो तरह के पेरेंट्स के एग्जाम्पल आपके साथ पेश कर रहा हूँ। एक है पेरेंट ए, एक है पेरेंट बी। पेरेंट ए और पेरेंट बी दोनों अपने बच्चों के साथ मेला घूमने जाता है। पेरेंट्स ए का जो बच्चा है वो जब मेला में जाता है तो देखता है एक हाथी खड़ा है, वो कहता है कि मुझे वो हाथी चाहिए। तो पहला रिएक्शन हम सबों का क्या होता है कि नो, ये तुम्हें नहीं मिल सकता है। फिर जब बच्चे जिद पे रहते हैं, बहुत जिद करता है, वो कहता है कि नहीं पापा, मुझे तो ये चाहिए। तो पहले तो उसको डांटता है, फटकारता है और एक दो चपत भी लगाता है, लेकिन बच्चे की जिद अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर अंत में हम उसको खरीद देते हैं। फिर वो बच्चा अपने पापा के साथ कुछ दूर आगे जाता है, फिर वहाँ एक पॉट दिखाई पड़ता है, घड़ा दिखाई पड़ता है, फिर कहता है पापा मुझे ये घड़ा चाहिए। घड़ा भी मिल जाता है, हाथी भी मिल जाता है, दोनों बाप बेटा वापस घर आता है। अब बच्चे के दिमाग में एक कुड़ाफाती आइडिया आता है कि पापा इस हाथी को इस घड़े में डाल दो। अब तो पापा के गुस्सा चरम पे वाजिब है क्योंकि ये तो असंभव आपको दिख रहा है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस छोटे बच्चे को ये कैसे मालूम कि ये नहीं हो सकता है? उसको तो ये हम डालते हैं, उसके जहन में हम ये भरते हैं, उसके मस्तिष्क में हम ये डालते हैं। फिर पापा क्या करते हैं, इसको बहुत डांटता है, बहुत चपत लगाता है, बच्चे रोते हैं और बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। अब इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं हो सकता है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया। सेम एग्जाम्पल मैं आपको पेरेंट्स बी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करता है, क्योंकि उसके माइंड में ये है कि अपने बच्चे को असंभव नाम का चीज़ नहीं डालना है। स्काई इज लिमिटेड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इस तरह की चीज़ें उसके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना चाहता है, उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट भरना चाहता है, तो वो अपने बच्चे को सेम स्टोरी को कैसे रिस्पॉन्स करता है। जैसे पहला पेरेंट्स को आपने देखा, पेरेंट ए, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने रिएक्ट किया। जैसे बच्चे डिमांडिंग होते हैं, उसको नो से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसे लगता है कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। अब पेरेंट्स बी, जिसको जो कि एक अच्छे परवरिश उदाहरण के तौर पे आपके साथ में ला रहा हूँ, वहाँ भी बच्चे जाते हैं, कहता है पापा मुझे हाथी चाहिए, उसको हाथी खरीद के देता है। कहता है मुझे घड़ा चाहिए, उसे घड़ा भी खरीद के देता है। फिर एक बच्चे घर आते हैं, कहते हैं पापा इस हाथी को इस घड़े में डाल दो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हम सारे पेरेंट्स को लेनी चाहिए, वो बच्चे को नो नहीं कहता है, नेगेटिव नहीं कहता है, कहता है बेटा ये हो सकता है, आई विल डू इट, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बच्चे खा पी करके सो जाते हैं। अब सोचिए इस बच्चे के दिमाग में क्या क्यूरियोसिटी है, जब वो सोता है तो उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, उसके माइंड में यही चलता है कि कैसा होगा वो हाथी जब वो घड़े के नीचे पॉट में आ जाएंगे। साथ ही साथ वो पेरेंट्स, उसके फादर भी ये सोचते हैं कि बच्चे को ये चीज़ कैसे प्रूव कर दिया जाए कि एक हाथी जो है एक घड़े में है, ताकि उसके माइंडसेट जो है ये सोचने पर हमेशा मजबूर रहेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, स्काई इज लिमिटेड, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन। जो हम लोग सुनते हैं उसको मुझे रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। फादर को एक आइडिया आता है, सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग वो जाता है कुम्हार के पास जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको एक छोटा सा काला हाथी बनवाता है, फिर वो घड़ा बनाता है और उसमें उसको डाल देता है, उसको लेके आता है। बच्चे जब लेट से थोड़ा उठकर देखता है कि पापा मेरा हाथी और वो घड़ा कहाँ है, फादर ने उसको ला के दिया, बच्चे के खुशी का ठिकाना। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, एक बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ सोते हैं, उसके दिमाग में, जहन में, मस्तिष्क में यही जाता है कि कुछ नहीं हो सकता है, और इस बच्चे के दिमाग में ये जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। शायद यही माइंडसेट है कि एक राइट ब्रदर्स ने एक हवाई जहाज को आविष्कार कर दिया जिसमें आज हम आसमान में उड़ते हैं।